Hello friends, how are you? Today we will talk about a very sensitive topic which is related to your future life. And the topic is how to clear CA. Please don't think that I will tell you the suggestions, tips or methods to how to study hard and clear your exam. As I told earlier, the topic will be very sensitive. तो हम mainly sensitive topic के ऊपर आज बात करेंगे, ना कि मैं आपको कोई suggestions दूंगा या फिर tips दूंगा कि आपको कैसे पढ़ना है और अपने exams कैसे clear करने हैं। और इस topic में हम mainly आज बात करेंगे only dedication के ऊपर। जो dedication आप 12th में अपने एग्जाम टाइम पे या फिर पूरे 12th में पूरे साल जो आप पूरी मेहनत करते हो ना, उतनी मेहनत अगर आप सीए में करोगे तो आप 100% आपका एग्जाम क्लियर होंगे, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में। 12th में आप 12th क्लास जो आपकी, या तो आप कोई भी रीजन लगा लो, या तो आपका ठीक है स्टार्टिंग से ही माइंडसेट बना दिया जाता है कि भाई 12th में अच्छे मार्क्स लेके आने हैं, या फिर आप ये सोचते हो भाई 11th तक पढ़ाई नहीं करी, 12th एक आपका लास्ट ईयर है तो थोड़ा अच्छे से पढ़ लो, या फिर ये होता है बच्चों को कि भाई 12th में अगर हम अच्छे मार्क्स लेंगे तो अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। तो व्हाट एवर द रीजन इज, बट 12th में जो भी रीजन है आप अच्छे डेडिकेशन के साथ पढ़ते हो, स्कूल में जो पढ़ाया जाता है, फिर आप ट्यूशन पे जाके पढ़ते हो, फिर आप अपने घर पे आके भी उसको रिवाइज करते हो, बट आप यही सेम चीज अगर आप सीए में भी अप्लाई करोगे तो मैं पक्का गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपका एग्जाम क्लियर होंगे, वो भी विदाउट वेस्टिंग ए अटेम्प्ट। फर्स्ट अटेम्प्ट में आपके एग्जाम क्लियर होंगे, बट प्रोवाइडेड आपको पूरी डेडिकेशन के साथ पढ़ना पड़ेगा जैसे कि आप 12th मेहनत कर रहे हो। दोस्तों मैं उन बच्चों के बारे में बात करता हूं जो पढ़ते हैं 12th में, जो मजे लेते हैं उनके बारे में तो यहां बात भी नहीं चल रही, बात उनके बारे में ही चल रही है जो ओनली पढ़ते हैं 12th में भी, क्योंकि आप अभी सोच रहे हो कि हम तो 12th में भी नहीं पढ़े, तो प्लीज उनके लिए ये बनी भी नहीं है वीडियो। 12th में जो बच्चा अच्छे से डेडिकेशन के साथ पढ़ा है, अगर वैसे ही डेडिकेशन वो सीए के एग्जाम में भी दिखाएगा तो जरूर उसके एग्जाम क्लियर होंगे। तो बस यही आपको मेरे को बताना था कि उतनी डेडिकेशन के साथ जो भी आपको पढ़ाया जाता है क्लासेस में, आप रेगुलर घर पे आके स्टडी करें, उनके नोट्स वगैरह बनाए। और एक और बात ये कि 12th में आप जो पढ़ते हो स्कूल में वही आप पढ़ते हो जाके ट्यूशन पे, और उसी चैप्टर को फिर आके आप घर से पे जाते हो फिर लिख के करते हो, तो आपकी 3 times रिवीजन आपकी तभी हो जाती है, और फिर आप रिवीजन करते हो एग्जाम टाइम पे, उससे पहले जो भी आपके टेस्ट वगैरह होते हैं तब पढ़ते हो, तो आप वहां पे भी आप देखो कि आप 5 to 6 times रिवीजन कर लेते हो एक एक चैप्टर को, और यहां आपको जोर जोर से समझाया जाता है भाई 2 times रिवीजन मस्ट है, 3 times रिवीजन मस्ट है। अगर आप जैसे आप पहले वहां पढ़ रहे थे 12th में, अगर आप अपने आप यहीं पढ़ लो तो क्लियर हो जाएगा, क्यों नहीं होगा क्लियर आप खुद बताओ, वहां पूरे आराम से रिवीजन करते हो जितने टाइम्स 5 to 6 times आराम से रिवीजन होती है एक एक चैप्टर की, पर यहाँ आपका सिलेबस ही कवर नहीं होता तो रिवीजन की तो दूर की बात है। तो यही सब बात है जिससे क्लियर नहीं हो पाता, और यहाँ पे कंटिन्यूटी बहुत ज्यादा मस्ट है। 12th में आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक मेहनत करते रहते हो, क्यों, वहां पे कभी टेस्ट आ रहे हैं, कभी फिर मॉक टेस्ट आ गए, फर्स्ट ईयर एग्जाम फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम आ रहे हैं, फिर आपके प्री बोर्ड एग्जाम आ गए, सब आ रहा होता है, बट बस यहाँ पे दिक्कत क्या, मेन दिक्कत क्या आपकी यही है कि यहाँ पे टेस्ट वगैरह कुछ नहीं हो रहे होते, आपको पढ़ना नहीं होता, आपको क्या लगता है सीधा पेपर है यार तभी पढ़ेंगे, मेन रीजन यही है कि आप फिर फेल हो जाते हो, पढ़ते भी हो बीच में गैप दे देते हो कि अभी तो बहुत टाइम पड़ा है। आप इसके लिए क्या कर सकते हो, अपने लिए खुद अपनी टेस्ट सीरीज तैयार करो, खुद टेस्ट देने लग जाओ, जिससे क्या होगा अभी मेरे तो कल भी पेपर है, मेरे को अपना कल भी टेस्ट देना है, तो उससे क्या होगा आप कल के लिए भी प्रिपेयर करोगे, अभी से ही कंटिन्यूटी बनी रहेगी। मेन रीजन यही है जो मैंने अब आपको बता दिया, प्लीज इसे फॉलो करिएगा और आपकी सीए जरूर क्लियर होगी फर्स्ट अटेम्प्ट में, आपके अटेम्प्ट भी वेस्ट नहीं होंगे। तो दोस्तों इतना ही मेरे को आपको बताना था, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, आपके लिए ऐसी वीडियो और आती रहेंगी। बाय बाय।